जय मसीह की। सलीना विजनरी टीवी पर हाजिर हूँ मैं, आप लोग को स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से चर्चा करें। आज हमसे परमेश्वर क्या बातचीत करना चाहते हैं? विश्वास है आप सब ठीक होंगे प्रभु की दया से, और परमेश्वर अगर नहीं है तो और वचन से आपको चंगाई दे, है ना। तो आइए, आज मेरा वचन का टॉपिक है कि नरक का दशा कैसी होती है बाइबल के मुताबिक, कि मैंने भी जो जाना बाइबल के मुताबिक ही, मैंने सुना ये सब चीज़ कि मेरा रंगोटे खड़ा हो गया। सच में परमेश्वर ने हमें सब पर्दाफाश करके रख दिया है मनुष्य के सामने, कोई चीज़ छुपाया नहीं मनुष्य के लिए, सब कुछ बताया दिया गया है वचन के द्वारा। अगर आपके हाथ में ये है तो स्वर्ग कैसा होता है, नर्क कैसा होता है, सब परमेश्वर आपके सामने खुला मैदान में जो सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ रख दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का स्तुति हो। आइए हम वचन से पढ़े नरक की दशा कैसे होती है बाइबल के मुताबिक। हम वचन से देखेंगे मत्ती के 25 का 41 में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आइए सुनिए, नरक नरक बोलते रहते हैं, ये नरक किसके लिए बनाए गए? शैतान के लिए। फिर मनुष्य क्यों डरते हैं तो नरक से? वो तो शैतान के लिए है ना, हमारे लिए तो नहीं है, फिर भी हम क्यों डरते हैं नरक के लिए? आइए हम वचन से ही देखेंगे, वचन से परमेश्वर अच्छी रीति से हमें बताएंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस के 9:42 से हम देखेंगे यहाँ परमेश्वर ने नरक के बारे में क्या लिखा है और मनुष्य को क्या कहा गया है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोककर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। नरक में कभी आग नहीं बुझने की है, कभी नहीं बुझेगी, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। दो चीज़ें देखिए, कीड़ा भी होता है वहाँ जो कभी नहीं मरने वाला कीड़ा है। हम संसार में तो प्रेस कंट्रोल लेके आते हैं, मार्केट से हम कुछ पॉइजन्स लेके आते हैं कीड़े के लिए, है ना, कुछ कुछ करके हम मार देते हैं सारे कीड़े को। हम सिर में हमारा जू घुस गया, लाइस घुस गया, हम लाइस के मारने के लिए, जू मारने के लिए शैम्पू खरीदते। लेकिन यह नरक में तो देखिए कि परमेश्वर बता रहे कि जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला कि दो पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। हमने पहला हमने जो मत्ती के 25:41 में हमने पढ़ा, नरक किसके लिए बनाया गया है? शैतान के लिए है, शैतान और उसके दूतों के लिए, है ना। तो मैं मेरा यह चैप्टर बराबर परमेश्वर दोहरा रहे हैं, परमेश्वर हमें बातचीत करना चाहते हैं कि सच में नरक होता क्या है और वहाँ का हालत क्या होता है, हमें कैसे बचना चाहिए नरक से, है ना। लुका के 17:1-2 हम पढ़ेंगे, 17:1-2 में हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यीशु ने कहा अपने चेलों से, मनुष्य है ना, चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती हैं, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाला दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, तेरा भाई अपराध करे उसे समझा। मेरा भाई कौन है? वसुधैव कुटुम्बकम्, मेरा सब भाई और बहन है पूरी जगत में। हम अपने पड़ोसी में हैं, हमारा भाई बहन है ना, हम अपने रिश्तेदार में होते, हम सब अपने भाई बहन करके बुलाते, और हमारे भारतीय संस्कृति संस्कार में तो हम बराबर एड्रेस करने का हमारा चलन है, प्रथा है ना, सबको हम दादाजी दादी जी ऐसे करके बुलाने का हमारा चलन है। तो यहाँ लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। अगर मेरा भाई अपराध कर रहा है उसे मुझे समझाना है, यदि और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर, अगर वो पछताएगा तो क्षमा कर, है ना, अगर वो सॉरी बोलेगा माफी मांगेगा उसका हमें क्षमा।
यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7वीं बार तेरे पास फिर आकर मैं पछताता हूँ तो उसे क्षमा कर। तो देखिए यहाँ यह क्या लेन देन है नरक और क्षमा के बारे में, है ना। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से हमें इसी कारण से आए क्योंकि परमेश्वर ने जो हमने पाप किया है वो हमारा पाप कौन क्षमा करेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर के पास जाना है। अगर हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। तो परमेश्वर अगर हम अपने अपराधी को पाप हम क्षमा कर देते तो परमेश्वर हमारा भी पाप क्षमा करता है। तो हम जब पाप पछताएंगे नहीं तो हमारा पाप समा नहीं हुआ तो फिर वो नरक में मुझे जाना है जहाँ कीड़ा नहीं मरता है, जहाँ आग नहीं बुझती है, उस जगह में मुझे जाना पड़ता है। तो वहाँ का दशा इतना भयंकर होता है कि वो क्या करता है हमारे जीवन में बहुत हमने जो जीवन में जो काम किया है वो काम का नतीजा हमारा आत्मा में टॉर्चर होता है, आत्मा का टॉर्चर होता है। तो आइए हम मत्ती के 10:28 में हम पढ़ेंगे क्या बताया गया यीशु मसीह ने हमारे लिए। 28 हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें बार बार क्या बताना चाहते हैं। यहाँ लिखा है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आत्मा और शरीर, है ना, दोनों को जो नरक में नष्ट कर सकता है। तो आज नरक तो हमने पढ़ा कि वो शैतान के लिए बनाया, उसके दूतों के लिए बनाया था, लेकिन आज मनुष्य क्यों ये बात को परमेश्वर हमें बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि हम पापी हैं। तो हम पापी होने के कारण हम सीधा स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, तो हमारे पाप का क्षमा होना है। अगर हमारा पाप का क्षमा नहीं हुआ तो हम उस नरक में जाएंगे जहाँ परमेश्वर ने पहले से मनुष्य को बनाने से पहले, आकाश और पृथ्वी बनाने से पहले ही स्वर्ग दूत ने जो स्वर्ग में पाप किया था उसके कारण से परमेश्वर ने उस नरक को तैयार किया था उसके सजा के लिए, है ना। बल्कि बहुत सारे शैतान और उसके दुष्ट आत्मा यहाँ भी है, अभी संसार में है, आदि को तो परमेश्वर ने उसको नरक में अभी बंद करके रखा। अगर सब छोड़ देंगे ना तो मनुष्य रह नहीं सकता, इतना उत्तंग करता है हमें, इतना तकलीफ देता है हमें, उस सहन से बाहर करता था। लेकिन परमेश्वर ने जितना स्वर्ग से गिराया था, परमेश्वर ने जो शैतान को जब स्वर्ग से गिराया था, शैतान लूसीफर का जो था उसका नाम शैतान है, तो शैतान इबलीस है ना, तो जो हमारे हमेशा मनुष्य का विरोध रहता है वो, तो उसको जब गिराया था उसने अपने जो चमचा था वो भी लेके आया है, 1/3 करके बोला है प्रकाशित वाक्य में, जो चमचा भी लेके आए। तो उसने जो शैतान और उसके साथ होने वाला जो दुष्ट आत्मा, छोटे छोटे जो दूत थे उसका दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत करके बोलते हैं दुष्ट आत्मा, तो उसको परमेश्वर ने आधा तो नरक में बंद करके रख दिया ऑलरेडी, और जो थोड़ा बहुत परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है कहीं हद समय तक, है ना। इसका भी सारे बातें परमेश्वर ने बाइबल में बताए गए हैं कि कब तक इसका काम करने का अधिकार है इस धरती पर, क्योंकि अगर ये सब छोड़ देंगे तो हमारा तो जीना ही मुश्किल होता है। आज शैतान ने धरती को मनुष्य के ऊपर क्या क्या करके रखा है, कितना बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है शैतान वो, क्योंकि वो हम सबको नरक में लेके जाना चाहता है, उसके जैसे पाप करवा के हमें सबको नरक में लेके जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर अति दयालु, भला, कृपालु, हमारे ऊपर कृपा रखने वाला, निगाह रखने वाला, हमारे चिंता करने वाला, उसने पुत्र यीशु को भेज दिया ताकि उस नरक में जाने से बचाए, है ना। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें इसीलिए तो आए थे ताकि नरक के दशा देख कैसा होगा, वहाँ कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती वहाँ, है ना, वहाँ दूसरा मृत्यु करके बताया गया है बाइबल के अंदर, है ना। ये दूसरा मृत्यु मतलब आत्मा की मृत्यु वहाँ होता है, तो शरीर तो हमें मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा की मृत्यु वहाँ होता है, वहाँ हमेशा के लिए रहना पड़ता है। तो परमेश्वर आज यीशु मसीह हमें क्या बताते हैं, हम किससे नहीं डरना है। हम देखिए यहाँ, जो शरीर को घात करते हैं, है ना, जो शरीर का हमें घात करते हैं, कोई बंदूक, कोई तलवार हमारे ऊपर चलाते हैं, कोई बंदूक चलाते हैं, कोई हत्या कर देते, पीट पीट के मारते हैं, कुछ भी करते हैं मनुष्य, इंसान इंसान के ऊपर कुछ भी हमला बोल देता है वो, है ना। तो ये क्या है, उस शरीर को घात करने वाले हैं। तो पर
आत्मा को घात नहीं कर सकते। जो शरीर तो मारते हैं उन लोग हमारे पीट पीट के, चाहे बंदूक चलाए, चाहे तलवार चलाए, चाहे बम फोड़े, जैसे भी हो, शरीर को तो घात कर सकता है लेकिन वो आत्मा को घात नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्य हमें मारेंगे लेकिन आत्मा के ऊपर घात नहीं कर सकता, वो आत्मा के ऊपर उसका अधिकार नहीं है। पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं कोई भी मनुष्य, है ना। उनसे मत डरना, हम मनुष्य से मत डरना। प्रभु यीशु मसीह की बात सुनिए सब लोग, है ना। मनुष्य से हमें नहीं डरना है क्योंकि वो शरीर को हानि पूरा सकता है, वो आत्मा का हानि नहीं पहुंचा सकता है। नया लिखा है कि मत डरना पर उसी से डरो। अब हम किस से डरना है? जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जो हमें नरक में कौन लेके जाएगा, कौन हमें साथ साथ में कौन लेके जाता है हमें नरक, है ना। जो वहाँ है ऑलरेडी और हमें लेके जाना चाहता है शैतान, है ना। तो इस कारण से परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम इस चीज से डरना जो तुम्हारे शरीर को भी घात कर रहा है, आत्मा को भी घात कर रहा है ना। इस चीज से तुम डरना, इस चीज से तुम सचेत रहना। डरना नहीं है, हमें सचेत रहना है, होशियार रहना है, हमें अवेयर होना है ताकि ये कौन है इसको अजमाना है कि हमें कौन सा बातें, कौन सा चीजें, कौन सा अदृश्य शक्ति, कौन सा बात है, चीज है जो हम अन्यथा है, जो हमें नरक में लेके जा रहा है, इसको खोज करना है हमें, है ना, पता लगाना है। क्योंकि हम मनुष्य एक दिन मर जाएंगे, हमारा आत्मा कहाँ जाएगा, हमें पता लगाना है। मरने से पहले हमें ठिकाना लगाना है अपने आत्मा को, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है। जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा भी निकल जाती है, तो ये चोला होते हुए, इस घर होते हुए हमें ये आत्मा के लिए भी घर ठिकाना ढूंढना है, पता लगाना है, हमें लगा के ठिकाना लगा के रखना है। तो यीशु मसीह यहाँ यही कह रहे हैं कि तुम्हें होशियार रहना जो तुम्हारा आत्मा को भी शरीर को भी नाश करने वाले चीज है। तो ये चीज कौन है? ये चीज वही है जो शैतान है। हमें हमारा बोली चाली है ना, हमारा व्यवहार है जो हमें नरक में लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ मत्ती 13 के हम 42 से 50 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मत्ती 42 को हम देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है कि और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उन्हें आग के कुंड में, बाइबल बताते रहे, देखिए ये परमेश्वर का वचन है, इसको सुनना और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मरने से पहले पहले, है ना, जिंदगी होते हैं, जीते जिए हमें इस चीज़ को पता करना है ना। उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। लेकिन उस समय में कौन, या मैं 41 से मैं पढ़ूंगी, मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ कुछ नहीं, रोना, दांत पीसेंगे, ऐसे करके रोएंगे, मुझे निकलना है, मुझे फैन चाहिए लटकने के लिए। वहाँ कोई लटकने का कोई रस्सी भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मुझे मरना है, लेकिन वह मौका नहीं। आपको सुसाइड करते हैं ना लोग, बाग लोग बोलते हैं मैं सुसाइड करें, शांति हो गया मुझे, मैंने जिंदगी ख़त्म कर दिया। दैट इज़ द नॉट एंड। सुसाइड करना एंड नहीं है, लाइफ का एंड नहीं है सुसाइड करना, है ना। क्या होता है जब हम सुसाइड करते, ये शरीर को दुख को ही हम थोड़ी देर के दूर कर सकते, लेकिन जो आत्मा है वो हम क्या होता है, वो नरक में जाएगा फिर वो आत्मा की अगर हम गलत करेंगे तो नरक में जाना है ना हम, क्योंकि सुसाइड करना अपने आप को हत्या नहीं कर सकते हम लोग, ये हम गलत का आत्महत्या करना, मैं अपने आप को हत्या कर रही हूँ, ये परमेश्वर ने जो बनाए हुए शरीर को मेरे अधिकार नहीं है, मैं सुसाइड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन शैतान चाहता है, हाँ कर सुसाइड, मजा आता है, क्योंकि उसको तो नरक में लेके जाना है। तो इस कारण से आज परमेश्वर का मैं वचन से बताते हैं नरक के दशा क्या होता है। बाइबल के अनुसार नरक के दशा बहुत बुरा होता है, वहाँ कभी निकलने का मौका नहीं, हमेशा के लिए है वहाँ, है ना। तो यहाँ लिखा है उस समय फिर परमेश्वर क्या करेंगे, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, जो धर्मी है वो धर्मी कौन है, हम खुद अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते हैं, हम तो पापी थे,
अभी भी पाप, जब हम पापी होते हैं हम अपने आप को बचा नहीं सकते, इसीलिए तो परमेश्वर का दया हमारे ऊपर हुआ और उन्हीं के कारण से आज हम धर्मी बन सकते हैं। उनने जो लहू बहाया, जिस खून बहाया, और यीशु मसीह धर्मी थे, हम फिर उनके कारण से हम धर्मी बन सकते हैं। उनके ग्रहण करने के कारण वो हमें धर्मी बनाता है। तब हम क्या होंगे? फिर धर्मी अपने पिता के राज्य में। पिता कौन है? परमेश्वर पिता, जिसने पुत्र यीशु को भेजा, है ना। परमेश्वर पिता किस क्या होगा? पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, हम सूर्य के समान चमकेंगे, है ना। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज हर मसीह लोग, जिसने मसीह को ग्रहण किया, वो स्वर्ग में होंगे। और जो हम मसीह को नहीं जानते हैं, अगर हमने मसीह को इनकार कर दिया, है ना, यहाँ लिखा है कि 10:32 में लिखा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी उस अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, है ना। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। उस समय में परमेश्वर क्या करेगा? हमें इनकार कर देगा। अगर हम यहीं हो, इसका मतलब है मनुष्य कहाँ रहते? धरती पे है। यहीं अपने भाई बंधु माता पिता के सामने मुझे अंगीकार करना है, मैंने यीशु को मैंने मान, यीशु के ऊपर मैं विश्वास करती हूँ, मैं यीशु के पथ में चलना चाहती हूँ, चाहे जैसी भी हो जाए, कोई परिस्थिति आए, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे नरक में जाने से तो भला, मुझे मारो तुम लोग, लेकिन मुझे स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो तुम्हें आत्मा और शरीर को दोनों को घात करता है उससे डरना है। इसका मतलब क्या है? शैतान जो हमें नरक में लेके जा रहा है, उस बात को हमें होशियार होना है, उस चीज़ से हमें सचेत रहना है, क्योंकि हमें जो जब हम प्रभु को नहीं जानेंगे तो हमें सीधा घर हमारा नरक है। तो इस कारण से हमें बाइबल हमें बराबर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, खबर भेज रहे हैं, सुसमाचार मैसेज भेज रहे हैं, फिर भी हम कान में रुई लगा के बैठते, हमें सुनना नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शैतान कहाँ चाहता है कि हम मनुष्य स्वर्ग में जाए, वो तो चाहता है जैसे वो नरक गया हम भी नरक जाए, है ना, उसका तो यही इच्छा है। लेकिन हमें इसको इनकार करना है, और शैतान को इनकार करना है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, चाहे जैसे भी हो, आपके परिस्थिति क्यों ना खराब हो, आप प्रभु यीशु मसीह को हाँ बोलिए, हाँ यस जीसस आई एम योर्स, मैं आपको हूँ, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, आपके चेला बनना चाहती हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहती हूँ, है ना। क्योंकि उस नरक के दशा इतना आग है, आग भटकते हुए आग है वहाँ, आप कभी नहीं बुझने वाला है वो, कभी नहीं, ना कीड़ा मरेगी ना आग बुझेगी वहाँ, कभी नहीं, कभी कभी नहीं, वहाँ से निकलने का कभी मौका है ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई दूसरा जन्म नहीं है यहाँ, ना हम कीड़ा मकोड़े गाय भैंस बैल बनेंगे, नहीं बनने वाले, क्योंकि हम परमेश्वर का आत्मा है, वो न्याय करेगा। जब हम मरेंगे, हमारा जन्म होगा, हम मरेंगे, उसके बाद में सीधा परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, है ना। अगर हम गाय भैंस बनते रहेंगे तो उसको भी गाय भैंस का भी न्याय होना चाहिए ना, फिर परमेश्वर उसको भी न्याय करेगा, तो उसको क्यों न्याय नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा कोई पशु से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, परमेश्वर का स्वरूप, है ना। तो चलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, आदर भक्ति महिमा इज्जत गौरव का परमेश्वर, तारीफ 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 जय जयकार आपको हो प्रभु। धन्यवाद आपके पुत्र यीशु के लिए, जो स्वर्ग को छोड़कर हमें बचाने आए और नरक के भेद को बताने के लिए, नरक क्या होता है। सच में प्रभु, हम जब सुनते हैं वहाँ कीड़ा नहीं मरती है ना आग बुझती है, क्या खतरनाक है प्रभु। हमें बचाइए, हर मनुष्य को बचाइए, आप हर मनुष्य से प्रेम करते हैं प्रभु, सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।